देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी ते मैं हाँ शेफाली। लगातार किसानां दा अंदोलन चलदा आ रहा है। बॉर्डर दे उत्ते असीं खड़े हाँ, दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर दे उत्ते, जिथे किसान जथेबंदियां वालों इस नूं बंद करते हुए 6 दिनां तों लगातार संघर्ष जिहड़ा किसानां दा जारी है। अज 3 वजे मीटिंग विच वी सद्या गया सीगा किसानां नूं, अते मीटिंग विच की कुछ होया ते 6 दिनां दा इह जिहड़ा फैसला है किसानां दा, उह किस तरीके दे नाल चलिया, आओ गलबात करदे हाँ। मेरे सहयोगी मेरे नाल मौजूद ने रविंदर मीत, उन्होंने गलबात करते हैं तो जानते हैं। मीत, 6 दिन तो एक काफिला जोड़ा चल रहा है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के उत्ते, किसान रुके हुए हैं, अज भी मीटिंग चल रही है, किस तरीके इन सब चीज़ों वे? देखो, 6 दिन का दिल्ली के संघर्ष चल रहा, असल संघर्ष 2 महीनों तो भी ज़्यादा समा हो गया। संघर्ष 2 महीने तो लगातार चल रहा। जदों 25 सितंबर पंजाब बंद किया गया, प्रोटेस्ट किए गए, उस तो बाद एक लहर बन गई, जिहड़ी लहर हुण दिल्ली तक पहुँच गई है, दिल्ली दियां बरूहां तक पहुँच गई है, जिन्हों कह सकते हैं। सरकार चिंतित हैगी की किया जाए, क्योंकि जिहड़े मार्ग ते किसान बैठे हुए ने, यह मार्ग कोई आम मार्ग नहीं है, उत्तर भारत को जोड़ता दिल्ली के नाल, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, ये सब जगह इतों तक कि परे तक पाकिस्तान के बॉर्डर तक, चाइना के बॉर्डर तक, इतों ही इस मार्ग के जरिए ही समान भेजा जाता, आर्मी नू, BSF नू, जवानों नू भेजा जाता, तो कनैक्टिविटी हैगी है इस रोड की कितने ना कितने पूरे उत्तर भारत नाल। तो जदों ये रोड बंद किया गया तो एक वड्डी समस्या केंद्र सरकार के लिए खड़ी हो गई, जिसनों लैके पहला 3 दिसंबर मीटिंग रखी गई सी, लेकिन हुण केंद्र सरकार जदों आक्रोश देखती है किसानों का, तो उन्होंने अज मीटिंग बुलाई आ, 3:15 बजे मीटिंग शुरू हुई है, जिस 36 जथेबंदियां ने हिस्सेदारी ली है, 36 तो पंजाब दी जथेबंदियां, 5-7 कुछ होर जथेबंदियां जो अलग अलग स्टेटां तो, जिन्हां दे कुछ सियाने नुमाइंदे अंदर भेजे गए ने, ताकि गलबात, हाँ जी, मध्य प्रदेश वर्गियां, तो उस नूं लैके अज मीटिंग चल रही है, विज्ञान भवन दे विच मीटिंग चल रही है, 2 मंत्री मीटिंग लै रहे हैं, खेतीबाड़ी मंत्री ते रेल मंत्री, तो यह मीटिंग लगातार चल रही है। हुण तक जदों तक आपां गलबात कर रहे हैं तो 5:30 बजे का करीब करीब समा हो चुकिया, तो एक लंबा समा बीत चुकिया, 2-3 घंटे का समा हो चुकिया मीटिंग, तो हो सकता है लंबी है मीटिंग चले, क्योंकि गुफ्तगू कोई ईजी गुफ्तगू नहीं, सौखी गुफ्तगू नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार अपने तर्क देगी, किसान जथेबंदियां अपने तर्क देनगियां, तो संभावना जताई जा रही कि कोई कमेटी शायद बनाई जाएगी, सरकार दे कोल एक ऑप्शन है कि कमेटी बना के वो किसानों कह सकते कि असी इस ते सोचांगे, असी गलबात करांगे की किया जा सकता है। डिस्कशन टेबल जेड़ा है मी तो बहुत पहली बार होया वै कि इन्ने प्रोटेस्ट चले इन्ने टाइम तो, पर डिस्कशन टेबल दे उत्ते बहुत घट लोगों नू विचार करन दे लई प्रोटेस्ट दे उत्ते बुलाया गया, जो कि किसानों वालों, पंजाब दे अपने किसानों वालों एक डिस्कशन टेबल आयोजित किया गया केंद्र सरकार वालों, कि आओ गलबात करते हैं, प्रोटेस्ट नू छड्ड के तुहाडी राय सुनदे हैं, उस चीज़ को किस तरीके दे नाल देखदे हो कि हिस्ट्री इन्नी लंबी हुई है, प्रोटेस्ट जिहड़े है वो बहुत घट निकल के आउंदे इस तरीके दे? देखो, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये बहुत प्रोटेस्ट इस नू लैके बहुत हल्का शब्द है, ये मोर्चा, मोर्चे लगते होंगे सी 1984 दे विच आखिरी मोर्चा लग्या सीगा, 83-84 जे मैं गलत नहीं हैगा, उस तो बाद कदे कोई मोर्चा नहीं लग्या, अकाली दल का इतिहास है, पंजाब के किसानों का इतिहास है, मोर्चेबंदी होंदी सीगी, लेकिन हुण ये मोर्चा दोबारा लग्या बहुत सालों बाद, बहुत दहाकों बाद इस तरह का मोर्चा देखने को मिलया, पर यह मोर्चा उन्हां मोर्चों तो बिल्कुल वख है। ये मोर्चा क्यों वख है? क्योंकि अज का किसान तो उस 80 दे दहाके का किसान, वो सोच, वो आइडियोलॉजी, वो समझ काफ़ी ज़्यादा वधी हैगी, हुण किसान नू तुसी वरगला नहीं सकते, किसान नाल सियासत नहीं खेड सकते, हुण तुसी किसान नू भटका नहीं सकते, पहलां दा समां सी भटका लिया जांदा सी, डीरेल कर दिता जांदा सी, प्रोटेस्टां नू, धरनियां नू, इस तरह के जो प्रोटेस्ट हुंदे सी, इस तरह के जो मोर्चे लगते सी, तो हुण अज की स्थिति कुछ होर है, अज किसान समझदार है, रणनीति इन्नी स्ट्रोंग है, दे नाल दे नाल असीं वेख रहे हां हर एक जाति वर्ग दा इंसान, बच्चा, बूढ़ा, हर मौजूद है ते इत्थे, अते नाल ही संघर्ष के एकजुट खड़े हुए हैं कि असी हुण जाना ही है, तो हुण असी गल करनी है, हर एक वर्ग जिहड़ा इकट्ठा हो चुका है, जिहड़ा भी कोई स्टूडेंट सीगा जिसनूं पहला अपने किसी लॉ दे नाल प्रॉब्लम सी, वह भी अज किसानां दे विच खड़े हो के अपने उस लॉ दे बारे गल कर रहे हैं कि नहीं ये गलत बने सी साडे लई। बिल्कुल शिवाली, बिल्कुल तुसीं सही गल कही है, क्योंकि जिहड़ी इह चीज़ हैगी आ, इह अज जो मोर्चेबंदी ते तुसीं खड़े हो, यह मोर्चा तुहाडी जिंदगी दे विच बहुत अहम मोर्चा, तुसीं इह मोर्चा तुहाडे तजर्बे दे विच आ चुकिया, ये मोर्चे दे विच बहुत
चीज़ां देखने को मिल रही हैं। तुसी देखो जे अज ये धर्म जाति का मोर्चा नहीं रहा, अज ये राजनीति का मोर्चा नहीं रहा। तुसी खबर देखते होंगे, पढ़ते होंगे, इतने राजनीतिक लीडर आते हैं इस जगह पर, बहुत सारे राजनीतिक लीडर का बहुत ज़्यादा विरोध होया। कोई राजनीतिक लीडर बन के इतने नहीं आता, कोई धर्म का ठेकेदार बन के इतने नहीं आता। ये सरबत का एक संयुक्त मोर्चा है, ये धर्म जाति राजनीति ये सब चीज़ों तो उपर की चीज़ हैगी, बहुत हाई लैवल की चीज़ है। जिहड़े नौजवान मेरे वर्गे या तुहाडे वर्गे जिहड़े अज इस मोर्चे दे विच शामिल हैगे, तजर्बे का मोर्चा है। कल नूं असीं दस्या करांगे कि इस तरीके दे नाल दिल्ली ढाउण दे लई किसानां ने इस लैवल का मोर्चा भी लाया सी। फतेह हुंदी आ या नहीं हुंदी किसानां वल्लों वो नहीं हले पता, वो कोई भी नहीं दस सकदा, वो समय दे गर्भ दे विच है। लेकिन फिलहाल जिहड़े सरकमस्टांसिस बने हुए ने, फिलहाल जो सिनैरियो बनया होया, सिनैरियो ये गल कहिंदा कि ये मोर्चा बहुत हाई लैवल का मोर्चा है, ये बहुत उच्चा मोर्चा हैगा, जिहदे विच राजनीति बहुत थले हैगी आ, धर्म बहुत थले हैगा। अगे सीगा धर्म के नाम से वंड दो, राजनीति कर लो, मैं पहला भी गया, लेकिन हुण ये मोर्चा बहुत वड्डे लैवल का मोर्चा। तो ये मोर्चा किसान कह रहे हैं कि असीं फतेह करांगे, असीं नहीं कह रहे, किसान कह रहे हैं। तो जो लगता लंबा जाएगा, लंबे सिरे तक अज भी गलबात हो रही है कि खत्म हो जाएगा इन्नी जल्दी, जिस तरीके दे नाल 6 महीनों का राशन पानी सब कुछ लैके किसान इत्थे आए हुए हैं। मैं इस अगर मोर्चे का लैवल देखा तो मैं लगता कि 6 महीने 4 महीने झल पाऊगी केंद्र सरकार, अगर इतने किसान बैठे रहे तो किसान जो केंद्र सरकार 4 दिन झलने औखे हो जाएंगे। पूरा उत्तर भारत की कनैक्टिविटी टुटी हुई है, पूरे देश के आक्रोश बनना शुरू हो गया। एक लहर एक जगह तो उठती होंगी, लेकिन कई बार वो पूरे देश फैल फैल जाती है। निर्भया वाली जो एक बनी हुई सी, एक माहौल बन गया से निर्भया कांड, एक जगह तो उठा होया, लेकिन पूरे देश के चले गया स। बड़िया सारिया ऐसा मुहिम बड़िया सुशांत राजपूत वाला एक जगह तो बॉम्बे के उठा सगा, वो भचाल सारे देश के दे आ गया, इंटरनेशनल चले गया, निर्भया इंटरनेशनल चले गया। ये भी अगर लंबा चलिया तो यह भी ऐसा माहौल बन जाएगा, केंद्र सरकार को सामभना औखा हो जाना ये चीज़, अगर ये पूरे देश के दे लैवल, क्योंकि देश की 70% आबादी किसानी पर निर्भर हैगी, पंजाब की 65% आबादी किसानी पर निर्भर है, सीधी किसानी करती है, इंडायरेक्ट तरीके 90% लोग किसानी निर्भर करते हैं। 70% सिर्फ किसान ही मौजूद सन इकोनमी। देखो हाँ बिल्कुल, मैं इकोनमी की तुम गल छेड़ ली है तो मैं तुम्हें दस दाँ कि जदों करोना काल सीगा उदो फसल उगनिया तो बंद नहीं हुई सी, फसल कटनी तो बंद नहीं हुई सी, फसल तो उस तरीके कट्टी जा रही थी किसान वालों, काम तो उस तरीके चल रहा है, कंबाइना उस तरीके चल रही थी, दुनिया बंद हो गई सी, लेकिन फसल बंद नहीं हुई सी। किसान ने देश का अन्न भरिया। मैं इस पंजाब तो बिलोंग करता, मैं पता किन्ने लंगर लगते हैं दिल्ली किन्ने लंगर लगाए गए ने इन जथेबंदियों वालों, किसानों वालों, ऑर्गनाइजेशन वालों, बहुत चंगे चंगे NGO भी है, कुछ बदनाम भी हो गए हैं, वो गल अलग हैगी। तो ये जी चीज़ है सीधी तरीके जुड़ी हुई है, हर बंदे दे नाल जुड़ी हुई है। किसानों ने, आम लोगों ने, पंजाबियों ने ढिड भरिया, क्योंकि पंजाब दे विच किड्डी वड्डी गिनती दे विच जिहड़े मजदूर सीगे वो आए हुए सीगे, मजदूरों का ढिड भरिया, भुखे नहीं सौण दिता किसी नूं। तां इह किसानी दा बहुत देण हैगी देश नूं, हरी क्रांति लिआउण वाली किसानी आ। सरकार नूं सोचना चाहीदा इहदे बारे, इह नहीं आ कि तुसीं किसान बैठे ने तुसीं इगनोर कर दोगे, तुसीं गुजरात गेड़े कढ लोगे, तुसीं इधर उधर गेड़े कढ लोगे, तां तुहानूं बिल्ली अगर कचूआ अगर अखां मीच ले, कबूतर अगर अखां मीच ले, तां बिल्ली खाणों नहीं रहिंदी हुंदी। अगर इह ना समझण कि केंद्र सरकार ये पिछे हट जाएंगे, किसानों नाल असीं गलबात करते रहने, वो पिछे नहीं हटन वाले। तो ये मैनू लगता कि लंबा किसानों वालों लंबा चल सकता, मैं केंद्र सरकार नहीं चल सकती इन्ना लंबा, क्योंकि जिस तरीके नाल एक मोर्चेबंदी की गई है, एक रणनीति तय की गई है, तो मैनू लगता कि 4-5 दिन तो ज़्यादा चल सकती है होर केंद्र सरकार इस। सो इस साढ़े नाल साढ़े सहयोगी भी जो कि इसी बॉर्डर के उत्ते दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के उत्ते जुटे हुए हैं। पिछे इस टाइम भी तुहानू तस्वीर दिखाना चाहूँगी मैं कि किंज वेख सकते हो तुसी, किसान जथेबंदियां लगातार इत्थे मौजूद सन अते विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हां वल्लों अपने बैरीगेटिंग भी जिहड़ी लगाई जा रही है, अपनियां वायरस भी लगाई जा रही हैं ताकि लोग इधरों घट आ सकन अते उधरों भी घट जा सकन, ते किसी भी हादसे का शिकार कोई भी ना हो सके। इस दे नाल ही मीटिंग चल रही है, उम्मीद
करते हैं कि कुछ ना कुछ नवा फैसला जिहड़ा है वह आएगा किसानों के हक के विच भी ये जिहड़ा फैसला है वह केंद्र सरकार कितने ना कितने लेगी। कैमरामैन पवन दे नाल मैं। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94647 84374 94648।